service company company, other day Shree Navina Temple Trust, other day Shree Punyade Trust, Kamchet Sanskar Radhika Kaur Team, ये हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज यहाँ मैं अपने सामने स्मार्ट विद्यार्थी और उनके माता पिता को देख रहा हूँ, जो आज शहर के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। साथ में मैं उन लोगों को भी संबोधित कर रहा हूँ, जो आज के युवा और जो देश में घर के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। मैं और हमारा पूरा समर्पित शिक्षक दल के लिए उनके माता पिता द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर जो भी परफॉर्मेंस होने वाले हैं वो कोई ट्रेन कलर कर नहीं है, वो अपने जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और जिन्होंने उनको सिखाया है वो भी प्रोफेशनल डायरेक्टर नहीं है। इसलिए मेरी विनती है कि कृपया उनको प्रोत्साहित करते रहना और तालियों से उनका स्वागत कराना, उत्साह बढ़ाना। हर शुभ कार्य की शुरुआत हम जी प्रज्वलन से करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं संस्कार वाटी का भूल गए हैं जिग्नेश भाई, सिंचर वाटी का कहे जिनेश भाई, सनातन नगर वाटी का कहे प्रीतेश भाई, श्रीनगर वाटी का कहे आशीष भाई, सोमवार तक वाटिका के चिराग भाई, गुरुवार तक वाटिका के स्नेही भाई, शांतिनगर वाटिका के महेंद्र भाई, दूसरी वाटिका के अमित भाई, वर्तमान पूर्व वाटिका के ओम प्रकाश भाई, कैंप वाटिका के नेहा जी, आदिनाथ सोसाइटी वाटिका के मेहुल भाई और गुटेक वाटिका के मिथुन भाई, कृपया दिव्य प्रज्वलन के लिए स्टेज पर पधारे और कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब तो हो गए, अब मैंने प्रश्न का एक सर्वे, क्या ऐसा संस्था डॉक्टर
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
દીવા પોતાની રોજવા પૂરા સમય પરમાં ચાલશે અને સાથે ગુરુવારે દેવાશ્રી શાંતિનગર શાંતિનગર કૌશલ કોલેજના સેવા हमारे जय जी डेविड जय और निर्मला जय
इनका वमन करने के लिए आ गया है। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Can I have a check? इसका माता को सबसे अधिक दुख हो यह स्वाभाविक है।
अर्थात मैं सब कुछ ऐसा करूं कि उनके मन में कोई कमी का अनुभव न हो। इसलिए माँ की पूरी सेवा संभाल और छोटे भाई के प्रति विशेष ध्यान स्वयं देने के साथ अपनी सुशील पत्नी जिन मनु को मैं इस प्रकार से तैयार कर लिया कि स्वयं से विशेष सेवा और देखभाल करें। हमेशा पत्नी के सरल और अच्छे बर्ताव से माँ संतुष्ट है, पर होता यह है कि छोटा लड़का जो 10 वर्ष का होता है तो माँ एक घातक बीमारी से गिर जाती है और बेटा कभी तो भी अतिशय सेवा करने के बावजूद दुर्दुशा पर आ जाती है।
Yeah.
शिकायत करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें इतना समाधान करता है। लेकिन शब्दों का प्रभाव काफी खंजर के साथ है। रोज रोज एक ही आश्रय के शब्द जोड़ जोड़ कर कानों पर आते हैं तो उनका ज्यादा असर पड़ता है। अरे पसले, तू क्यों? तू तो अभी तो आ
देखो अगर तुम्हारा ये आर्टिकल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तो
ये भी दोस्तों का एक बड़ा अनुभव है कि कर्तव्य पालन करने के खातिर बड़ा झोंक देना भी सुरक्षा लगता है। और लोग बात करते हैं, लोगों को आश्चर्य होगा।
वहां से रहे ग्राहकों को कुछ नहीं रहना। हमें जन तो दुर्भाग्य का उदय हो चुका था, अथवा परिस्थितियां ही ऐसी होने लगी कि कमाई के बदले नुकसान होता रहे। विनय चंद्र का भाग्य खुल गया और अधिक चमक गया, उसे व्यवसाय में और अधिक तरक्की आती गई। अलग होने के बाद से उसने बड़े भाई के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा, मिलने जितना भी नहीं। अमित चंद्र आरंभों में तो टूट जाता था, मगर तब उसने कोई आदर नहीं किया और ठीक से बात नहीं की तो अमित चंद्र भी मिलने जाना बंद कर दिया। अमित चंद्र की परिस्थिति के बारे में कहा तो पता चलता है।
सभी कर्मों से निकला और भैरव के घर पहुंचा। वहां पर धूम मची हुई थी, अनेकों स्त्री तान रहे थे। उत्तर के मजले पर सबके साथ अमीचंद्र बैठा था। अमीचंद अभिनंदन ले रहा। अभी अमीचंद सोचने लगा कि उत्तर कैसा जाए। उनके कपड़े भी मैले और पटे पुराने थे। अब क्या करें? उलझन थी। पूरा एक रास्ता सुना कहाँ निकालने सुना छुटकारा नहीं था, क्योंकि ऐसे ही घर लौट जाएगा तो पत्नी का भेद हो जाएगा, इसे वह जानता था। इसलिए उसने देखा नीचे लोग काम में लगे हैं। वही एक और सब्जियों का ढेर लगा था। चार पांच लोग सब्जी सुधार रहे थे। उन्हीं के साथ अमीचंद जुड़ा और सब्जी सुधारने लगा। मन में सोचा कि अंत में इन आदमियों के साथ खाने का अवसर मिलेगा। विनय शंकर नीचे उतर कर अमीचंद को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ये पापी यहाँ आ गया, किसने तुम्हारा था इसे? इसने तो भिखारी जैसे कपड़े पहनकर मेरे दांत कटाने जैसा काम किया। पर क्या करूं, उसे कुछ कहूंगा तो लोगों को लगेगा कि बड़े भाई से इस प्रकार से बोल रहा है। खैर मरने दो, इसे बुलाना नहीं। इस प्रकार से मन में तर्क किया। लोगों के पंगत बैठती है। अमीचंद से कहने के द्वारा कि आप भोजन करने बैठे हैं, इसलिए तो परोसने का कार्य करता है। एक पंगत बैठती है, दूसरी उठती है, उसको भी वैसा ही हुआ। अंत में नौकरों को भोजन के लिए बिठाया तो यहाँ भी उसे कोई भोजन करने बैठने की बैठने को कहने वाले नहीं है। अब क्या करें? जो कई दिनों से भूखा है वो सबको खुशी खुशी खाता देता है और लेश मात्र भी मन को बिगाड़े बिना घर लौट आया। पत्नी राह देख रही थी कि भोजन करके आएंगे और नौकरे खाना लेके आएंगे। उसके बदले वही लड़का था एक पैर और उसे नीचे मुख को देखकर वह चौंक गई। Thank you.
सत्कार किसको कर सकते
परंतु अतिथि स्वयं पूछ लेता है, क्यों, क्या परेशानी है, चलता है क्या, तेरी पावर है, परंतु नहीं, मुझे कुछ अलग नजर आ रहा है, कहां आपका पहले का वैभव और कहां आपका आज का यह घर, तो क्या हुआ, घरों का उदय विचित्र होता है, सार्वभौमिक परिस्थितियों को समझ गया था तो मन से निश्चय करता है कि साधारण का उद्धार करेगा, सीधे अपने घड़े का हार निकालकर अमिचंद को देता है। लेना, मतलब ले लिया तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा,
और लक्ष्मी देवी के स्वप्न के मुताबिक उसी तरह एक साधन के अगले दिन अमीशन के घर में जा रहा हूँ और उसे हीरे को हाथ देने की कोशिश करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि स्वप्न सच होने वाला है। अमीशन को पता है लक्ष्मी देवी की चेतावनी, फिर हार रख लेता है। क्यों? ये जो दृश्य था ये हृदय को छूने वाला दृश्य था। कैसी साधारण भक्ति हमें इस दृश्य से देखने मिलती है। साधन भी बोलता है कि आप हार रख लो, ये हार आप ही का है और इससे उधार अमित चलता नहीं है बल्कि साधारणता खुलता। कैसी भव्य दृष्टि, कैसी अमृत दृष्टि। पैसों की दारिद्रता के बावजूद दूसरों पर उपकार कैसे किया जा सकता है यह हमें इस घटना से देखने मिलता है। भूतकाल में अमीचंद द्वारा की गई उत्कृष्ट साधन की भक्ति से यह प्रदेश इतना प्रभावित है कि अमीचंद के वर्तमान की हालत उससे देखी नहीं जाती। कोई भूमिका नाता नहीं था, फिर भी अपने उच्चतम सेवा करने वाला साधन आज इस दुर्दशा में है यह देखकर उसने अपना प्रिय हीरे का हार अमीचंद को दे दिया। लक्ष्मी देवी के स्वप्न के मुताबिक अब कैसी मुसीबत आती है अमीचंद पर, क्या हम अभी कुछ ही क्षण में देखेंगे उस पर कैसी भयानक मुसीबत आती है। हेलो, you
जांचता है और चोक पड़ता है। चोकने का कारण यह था कि उस नगर के राजा के रानी का हार गुम हो गया था। इसलिए राजा ने आदेश दिया था कि यदि कोई ऐसा कीमती हार बेचने आए तो पहले राजा के पास दिखाने को भेजे।
भूमिजन के दिल में अटल निश्चय है कि हार भेंट करने वाले साधर्मिक का नाम तो लेना ही नहीं। हार देते समय उसने साधर्मिक गिनकर कितना उच्च मूल्यांकन किया था, तो मुझे भी ऐसे मूल्यांकन मुबारक हो। भले मुझे कुछ भी सहन करना पड़े, मगर यदि मैं साधर्मिक पर आ रही विपत्ति को रोक सका तो यह एक मेरा महान सुकृत होगा। राजा ने दो चार बार पूछने पर भी अमिचल ने तो एक ही उत्तर दिया, आप मेरा ही है महाराज, आप मेरा ही है। Thank you.
इस प्रकार से छह मेले बीत गए। रानी को अपने सारे गहनों का हिसाब करके उनकी सूची बनानी है, तो उसे अपने खजाने में एकदम नीचे उस इले के हार का डिब्बा मिलता है। उसे खोलकर देखते ही वह आवत हो जाती है। उसने वह हार जो का क्यों मिल जाता है, पर उसने तो वह हार पहन रखा है। यह हार के बिल्कुल दूसरी के समान है। Yeah.
जिसने वह दिया उसने उसका कोई
Thank you.
देखो इसमें भी कोई प्रबंध जैसा दिखता है, अन्यथा कितना बड़ा राजा इस प्रकार से भरवा जाता। सच बात है, कभी तूने पता इतने सम्मान में भाई का कहाँ आता है? पहले तो आपसे बहुत प्यार करता था और ऐसे और से मैं भूल गया, मगर सारा प्यार रख लेता। ये तो सीखे था उसे, और देखो ना जब अपने घर के पास से जा रहे हमें सामने भी नहीं। बेचारा भाई छोटे भाई को शर्म नहीं लगे या उसके मन को दुख न पहुंचे इसे सामने नहीं देखता है, परंतु यह ईर्ष्या से भरी तारा उसका कैसा मूल्यांकन कर रही है। आज के युग से अगर तारा और जिनमती को जोड़ के देखे तो पता चलेगा कि जिनमती गांव की संस्कारी कन्या थी और तारा शहर की मॉडर्न। कौन बढ़िया ठहरेगी, कौन पढ़ी लिखी शिक्षित कहलाएंगे? लड़की पसंद करते समय आज की शिक्षा के पीछे हम पागल हो गए हैं। शहर की कन्या कॉलेज में पढ़ी लिखी देखकर हर्षित हो रहे हैं ना, गांव की बेचारी कम पढ़ी हुई है। भुला सर रखना, तनु कपड़े पहनना, भुले बाल रखना, बोल चाल में नाटकीयता, ऐसा कुछ उसे नहीं आता, इससे बेढंग दिखती है। क्यों, सच है ना? परंतु उसके दिल पर दृष्टि डालकर देखो तो पता चलेगा कि संस्कार प्रेम विनय समर्पण से भरा दिल कहा है। कभी ये तो समझो कि वो माँ बाप बुजुर्गों के विनय आदर को इस प्रकार से संभालती है, भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसा बर्ताव करती है, उसका स्वभाव कैसा है, स्वार्थी या संतोषी। कन्या पसंद करनी हो क्योंकि हम ऐसी कोई खोज करते हैं नहीं, मात्र रूप रंग और डिग्री ही देखते हैं। कैसी बुरी दशा है हमारी, फिर वह लड़की भले ही विनयहीन झूठी स्वार्थी अभिमानी हो और लड़के को फंसा कर या लड़का उसे स्वयं पसंद करने करे तो परिणाम क्या होगा, यह हमें इस नाटक से समझ में आ रहा है। अमित चंद को नजर में राजघर में लाया जाता है, राजा की इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है और वे अमित चंद से कहते भी है, मगर अमित चंद उन्हें फिलहाल मना कर देता है। अमित चंद ने अब बड़ी दुकान खोल दी, राजसी सम्मान से उसकी ख्याति बहुत फैल चुकी थी, संपत्ति बढ़ने से माल के बड़े बड़े ढेर भी लगने लगे, अतः व्यापार धड़ाके से चल पड़ा। और वही दूसरी ओर विनय चंद्र में तो ऐसे सद्गुण थे नहीं और कर्म में संयोग भी पलट चुका था, इससे व्यापार धुलता गया, बड़ा भारी कर्ज भी हो गया, चुकाने के लिए दुकान और गहने बेचने पड़े, घर गिरवी रखा, फिर भी देनेदारी बाकी रह गई, बाजार में निकलना मुश्किल हो गया। विनय चंद्र की परिस्थिति अब बहुत गंभीर हो गई थी, अमित चंद की जैसी हालत हुई थी उससे भी खराब दशा में फिर हो गए थे। देखो लेफ्ट राइट, यह देखो तुमने मुझे व्यापार में साहस करने की सलाह दी और हम चौपट हो गए। तुमने मुझे अंधा चोरों का गुलाम बना दिया था, मुझे सब कुछ तेरी सलाह से करना पड़ता था। देखा पहचान है तुझे, मेरी दुर्दशा है, तुझे अच्छे से रहना था, तेरी अपेक्षा तो मेरे भाई भाभी अच्छे थे जो मुझे सब कुछ सामने वो तैयार थे, उन्होंने मुझे जिंदगी में कभी कुछ कम नहीं दिया, वो तो दुनिया को चौपट कर दिया, संबंध जुड़वा दिए, विभाजन करा दिया और आज ऐसी परिस्थिति में ला दिया कि मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं। विनय चंद्र को समझ में आ गया कि तारा ने उसका सर्वनाश कर सत्यानाश कर दिया। अमित चंद को विनय चंद की दुखद परिस्थिति का समाचार मिलता है। अमित चंद जिनमती से कहते हैं, Thank you.
बुलाने को मिला है कि वीनू की हालत बिगड़ गई है और रुपए पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो गया है। क्या हमने तो माता जी को वचन किया था कि वीनू को हम बच्चे से संभालेंगे, तो हम पैसे तुम पर दे सकते हैं। हम सब ठीक है ना? विशेष समाचार पूछ कर क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब कुछ मदद करेंगे और आवश्यकता होगी तो साथ ले लेंगे। तो ये आप क्या बोल रहे हो? आपको भूतकाल की कोई बात नहीं याद आ रही है? दूसरों की बुरी बातों को याद करना यह मन का मेल है। इसे भूल जाने वाला हृदय स्वच्छ होता है। जिन मन का निर्मल हृदय उसके देवर के द्वारा निकला गया कृतज्ञता या विभाजन के समय की गई रूप, इसमें कुछ भी उसे याद नहीं आ रहा। उसमें माँ जैसा वात्सल्य बह रहा था। निर्मल स्वच्छ दिल के पीछे दोनों की अमृतमय दृष्टि काम कर रही थी। दोनों विनय चंद्र के घर निकल पड़े। विनय चंद्र भाई और भाभी को बताया देकर स्तब्ध रह जाता है। क्या विनो, क्या हाल है? शर्मा मत, तू तो मेरा बड़ी लाडला भाई है। कहो कैसी परिस्थिति है जिसका पता चलते ही सब कुछ ठीक किया जा सके? कैसी परिस्थिति है जरा सा भी संकोच मत करो। तुम हमारे ही, हम तुम्हें आए हैं। क्या कहूँ? इस सब में जानने के बाद रहने को बेचारे ये दोनों कितने दुखी हो रहे हैं। चलो इन्हें साथ में चलते हैं। तुम ठीक कह रही हो। Thank you.
अमीचंद रोज ब्रह्म मुहूर्त ही करता है, लेकिन आज अमीचंद विशेष भक्ति रंग में था। यह देखकर विनय चंद्र और तारा के दिलों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में सोचने लगे, इतना सुंदर जीवन है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जीवन बर्बाद कर दिया। पूजा भक्ति करने के बाद सुपात्र दान और उसके बाद प्रतिदिन के क्रम अनुसार आमंत्रित साधकों को कराई जाने वाली भोजन विधि हुई। उसमें आज विनय चंद्र और तारा को ठीक घर के सदस्य के भांति मानकर उनके द्वारा एक आदर सागर की भक्ति कराई गई। विनय चंद्र और तारा को भी ठीक घर के सदस्य के भांति मानकर उनके द्वारा भी उदार सागर की भक्ति कराई गई। पश्चात अमीचंद्र और जिनमती इन दोनों के साथ मिलाकर भोजन करने बैठे। उन्हें संकोच ना हो इसलिए भाई भाभी अत्यधिक आग्रह करके उन्हें प्यार से भोजन कराते हैं। इससे दोनों को लगता है, ओहो कैसा ये दैवी मेरा भाई, और कहा हम अधम। भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम किया। इतने में रोज के अनुसार राजा के पालकी अमीचंद को लेने आए। रास्ते में सिपाही अमीचंद को झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। कुछ प्रभावित व्यक्ति अमीचंद सेठ की जय, अमीचंद सेठ की जय की पुकार चलाते हैं। विनय चंद्र तो स्तब्ध रह जाता है कि मेरे बड़े भाई का ऐसा सम्मान और मैं कितना अधम। ऐसा करते करते वो उनका पूरा परिवार राजमहल पहुंच जाता है। आगे क्या होगा उनको शिक्षण में देखते हैं। बस अब नाटिका अब कुछ शिक्षण बाकी है। नाटिका समाप्त होने के बाद एक कव्वाली है, कुछ डांस परफॉर्मेंसेस है। इसके बाद मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम और बचा है, तो कृपया करके कोई भी अपनी जगह से ना हिले। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बच्चे हमारे आप में से ही है। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी ना हो, नाटक थोड़े देर में समाप्त होगा, उसके बाद भी आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप ना जाए और पूरा कार्यक्रम होने तक आप रुके। Thank you.
युधिष्ठिर से क्या पूछना? महाराज, ये मेरा छोटा भाई विनय चंद। अच्छी उन्नति करो और पादक वैदिक ले जाओगे। महाराज, मेरी औकात है। आपकी औकात तो परम का निश्चित हो चुके। अब तो आप इस राज्य को संभालो तो आपका छुटकारा हो जाएगा। महाराज, इस राज्य को संभालने को आप थोड़े वर्ष संभालना इतनी जरूरी है। थोड़े वर्ष आपको कैद घटना के बाद आपकी देखी ऊंची श्रेणी और योग्यता। हमारी भूल उसके कारण भूल हुई हमारी दृष्टि। अब एक भी दिन इस संसार में चैन से जीने नहीं दे ली। इसलिए आप तो इस राज्य को संभालो तो आप पर दया होगी। जीवन का क्या भरोसा? अगर हम लंबी आयु भी जिए तो एक पाप का कम काटने हैं। महाराज, धन्य है आप। बड़े भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको बहुत सताया। मैं आपका भयंकर अपराधी हूँ। मेरा क्या होगा? मैं कौन से नरक में जाऊंगा? आपने तो बचपन से ही माँ बाप की तरह व्यवहार किया है, अपने बेटे जैसा पाला है, मगर मुझे तो किसी ने आपको धोखा दिया। हमने आपके ऊपर कोई भी मुझ पर शेष नहीं रखी, मगर जब हम गरीब हुए आपने घर आकर हमारा हाथ पकड़ा, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आपकी उदारता और सज्जनता की हद है। आप जैसे पालक पाने के बाद भी कोई जिनने क्या क्या कर दिया। तुझे मार देखूं बड़े मुझ में साह कट क्यों छू। साचा सुख ने शोध वाणी साह लो तू छू। मार्ग देखाड़े मुझने साग पट क्यों छू। भाग्यवान, ऐसा मत कहो, हमें दुख होता है। इस संसार में जो भी कुछ होता है अपने स्वयं के कर्मों के हिसाब से ही होता है। हमारे कर्म ही ऐसे थे। हमारी रेशानी पर हम आँख खुल जाकर क्या साथ मिलेगी? महाराज पर तो आपका कोई उपकार नहीं रहेगा। फिर भी वो आपकी कदर करके आपको सारा राज्य सौंपने को तैयार है, मगर हो जा पाप पाप आत्मा पर आपके अर्थ की कर उपकार और बहना को बदले में कांटे हो जाओ सकता क्या रहना मुझ पर। Thank you.
Thank you.
ठीक है और टाइगर में समझा ठीक है बीनो बीनो जी भैया देखो अब अपने फिजिकल दर्जा को क्या करें शारीरिक लेने की ठान ली है अरे भैया ये आप क्या कह रहे हैं आपकी फिजिकल में बहुत जरूरत है सीधे राजा और आप राजा बनेंगे तो प्रजा अपना अधिक कल्याण होगा और आप जन्म सौभाग्य कर पाएंगे और आप चारित्र की बात करने लगे ये सब तुम्हारी स्थूल दृष्टि है अपनी आयु का क्या भरोसा आरोग्य और नौकरी सत्ता का भी क्या ठिकाना कि वे बने रहेंगे फिर राज्य सत्ता में महा आरंभ में आदि प्रजा को अभी कितना भारी हो जाता है और लोग धर्म प्राप्त करेंगे तो क्या भरोसा कैसे मिलू सेवा पर कोई कार्य करने गया हो बात किसने कोई कड़वी बात करी अथवा हमारी प्रशंसा न करके किसी और की प्रशंसा करी तो जनमन नाराज होता है और कहने लगता है नहीं करनी ऐसी सेवा या तो तुम पाने के लिए कह रहे चलो अभी घर चलो क्या मेरे सेवा के लिए क्या बच्चे क्या बुरे क्या निर्दय क्या कर्तव्य क्या बुद्धिमान क्या बुद्धि राजा होने का कितने बड़े मतलब को जगह मिलेगी कितने होंगे जब होंगे स्वामी से बोल के बात साथ में रहेगा शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि स्वयं का ही करके स्वयं का उपकार करने लगे स्वयं का उपकार करके स्वयं का उपकार करे ऐसा जिन शास्त्र नहीं कहता इसमें भी लोग राजा का लोग बने और ये सब तो तुम्हें सौंप दिया है अब आपके लोगों ने कहा मैंने अपना भी घोर पाप किए अब मेरी समझ में आ रहा है कि यह सब मैंने और दोष में किए थे इतने वर्षों तक अहंकार में रहने वाला मेरा क्या होगा आपने तो पहले से ही पवित्र उत्तम जीवन किया है फिर भी पाप के डर से संसार छोड़ने की तैयारी है और मुझे इस संसार में रहकर पापों का डर कितना बढ़ाना पड़ेगा जरूर क्या है पाप करने पवित्र जीवन जीना भाई हमारी योग्यता है क्या है कि पाप पापों के निमित्त को पाप करें कर पाप न करें इसलिए मुझे दूसरे बचने का एक ही रास्ता दिख रहा है मुझे तो अपने सारा संसार पापों के निमित्त दिख रहा है मुझे भी संसार छोड़ना है अरे यार तुम क्या कह रहे हो अभी तो तुम्हें क्या बात सब करेगा इतना अभ्यास भी नहीं है और तुम्हें तो पता है ना सही अब जीवन में इतना अधिक क्या और काम करना पड़ता है भाई मैं जानता हूँ मगर मैं इससे डरता नहीं हूँ बस दूसरे करने में उसमें उमंग जाती है हमें उसके से सुविधा चाहिए ऐसा कौन कर आता है कंट्रोल ही ना इसलिए भाई आप मेरी सदी से भी चिंता न करें मैं संसार जाने में आपके साथ हूँ आपने तो बचपन से मुझ पर बहुत उपकार किए और उनका एक तो हर भी करती भाई आपका रूम में कैसे उनका पाऊंगा राजगद्दी पर जो
द्वितीय उत्तराधिकारी को भेजा गया। नगर में आज जयंती जयंद्र भक्ति महोत्सव मनाया गया। अमेचंद की संपत्ति जैसे अनेकों परमार्थ एवं प्रभु भक्ति बाकी विनय चंद्र के पुत्र को सौंप दी। वे चार और राजा रानी तथा अनेकों ने चारित्र का स्वीकार एवं आत्मकल्याण का भव्य पुरुषार्थ अपनाया। Thank you.
I'm gonna go
Thank you.
ऐसा अद्भुत अमित जैसा प्रश्न देखकर मन शुद्ध हो गया। Yeah.
Yeah.
Thank you.
प्रोग्राम बचा, लास्ट 5 मिनट है, प्लीज प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई ना जाए, 5 मिनट का प्रोग्राम है। Yeah.
शिक्षा मिलती है। सुनो ना, कल हम मंदिर में ले गए ठीक है पूजा करने के लिए। दीदी को भी बुलाएंगे जैसे तुम्हारी इच्छा। और डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो मंदिर में मिलेंगे। सीन फोर, दूसरे दिन सब बच्चे मंदिर में मिलते हैं पूजा करते समय। एक दोस्त कुछ बोलने जाती है तभी उन्हें बाहर जाना होता है। फिर भी वो अच्छे से खमसना देकर चलते वंदन भी करते हैं। देखो वो रास्ते में क्या बात करते हैं। सुनो नमाज करती है। अरे जैसे वाटी का मैं सिखाया था वैसे पूरे के पूरे तीन कमास में दिए। मैंने भी तीन कमास में दिए। मैंने भी पूरे तीन कमास में दिए। मैंने भी तीन कमास में दिए। अब वो घर चले जाते हैं। सीन फाइव, वाटिका में जब टीचर कुछ नया सिखा रही है इतना फेंक तभी का दृश्य देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है इतना फेंक दो। हमें क्या फेंकना चाहिए? ठीक है, सुनते हैं इसका जवाब। क्रोध का कचरा फेंक दो, क्रोध से नहीं बढ़ता है। हमें क्रोध दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? विधि, दीक्षा, टीचर, क्षमा करना चाहिए। ठीक है, सुनते हैं एक कहानी। जब तुम तुम्हारे दोस्त के साथ होते हो और गुस्से में या मस्ती में तुम्हारा झगड़ा हो जाता है और ईगो के कारण तुम काफी दिनों तक बात नहीं करते और क्रोध के कारण तुम्हारा एक दूसरे के प्रति गुस्सा बढ़ जाता है। जो दोस्त कभी एक दूसरे के बिना पढ़ते थे आज उन्होंने क्रोध की वजह से एक दूसरे के बिना जीना सीख लिया है। तुम लोग वाटिका के पास रुकना, मुझे तुमसे बात करनी। ठीक है टीचर। क्या हुआ? सब बच्चे तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेते हैं? टीचर हमारा झगड़ा हुआ था, वो मेरे बात नहीं कर रहे थे और कोई लोग तो ईगो के कारण बात भी नहीं करते। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम एक दूसरे से दोस्ती कर लो और एक दूसरे से क्षमा मांगो। यही मतलब बच्चों ने वाटिका के जाने के बाद आया। अब कॉलेज के दिनों में कॉलेज से आते टाइम प्रैक्टिकल्स के वजह से दो दोस्त को घर आने में लेट हो जाता है।